बारिश के साथ इस बार स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षाबंधन तक चार सरकारी छुट्टियां मिल रही हैं। इसकी वजह से फ्लाइट्स की कीमतें बढ़ गई, वहीं ट्रेन में वेटिंग बढ़ गई है। दरअसल 15 अगस्त इस बार गुरुवार के दिन है, इस दिन सार्वजनिक अवकाश है। इसके बाद शुक्रवार वर्किंग डे है, जबकि शनिवार और संडे के दिन एक बार फिर अवकाश है। इसके साथ ही सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व है, इस दिन भी सार्वजनिक अवकाश है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार का अवकाश ले लिया, जो एक साथ 5 दिन की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जाने और घूमने का प्लान बना चुके हैं। 5 दिन के अवकाश का सबसे ज्यादा असर हवाई यात्रा पर नजर आ रहा है। इसकी वजह से टिकट्स के रेट में 25% तक का इजाफा हुआ है। आम दिनों में जहां जयपुर से मुंबई के फ्लाइट से सफर 4,000 रुपए में हो जाता था, इस बार स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक रेट्स में 6,400 रुपए तक पहुंच गए। इसी तरह हैदराबाद जाने के लिए 5,000 रुपए से लेकर 8,000 तक रुपए फ्लाइट की टिकट है, जबकि जयपुर से अहमदाबाद जाने के लिए 4,000 से 9,000, बेंगलुरु जाने के लिए 6,000 से 8,000 और गोवा जाने के लिए 6,000 से 8,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। एक और जहां फ्लाइट टिकट के रेट में 25% तक की बढ़ोतरी हो गई, लंबी दूरी के ट्रेनों में पैसेंजर सीट नहीं मिल रही। लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेन अभी भी से फुल हो गई है, लोगों को कन्फर्म सीट के बजाय लंबी वेटिंग मिल रही। इस वजह से मजबूरन कई लोग हवाई सफर को चुन रहे हैं। ट्रेनों की स्थिति यह है कि जयपुर से जम्मू तवी, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद समेत कई प्रमुख शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों के स्लीपर क्लास में वेटिंग 40 से 88 तक पहुंच गई। इसी कोच में बुकिंग में भी कंफर्म सीट नहीं मिल रही है।